हेलो गाइस, दिस इज बीआर सर लेक्चर इन फिजिक्स, गांधी प्लस टू एंड प्लस थ्री साइंस कॉलेज भुवनेश्वर। दिस इज क्लास नंबर वन। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट मैकेनिक्स एंड टाइप ऑफ मैकेनिक्स एंड सम टर्म इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। आज पिलामना में ये विषय में डिस्कस करवा। क्लियर समझते? तो फर्स्ट, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट माने गतिशील वस्तु विषय रे अध्ययन करबा को मैकेनिक्स कहा जाउ छी पिला माने। क्लियर समझते? तो व्हाट इज मैकेनिक्स ना मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोन पिला माने जे हमें सिंगल फर्स्ट हम जानबा कोन ना मोशन, मोशन ऑफ An object, motion of an object or complete माने body। clear समझते पिला? बुझी पालो? complete समझते? next write down। तो it is the branch of physics which deals with study about motion of an object। कौन पिला माने? motion of an object। clear समझते? गतिशील वस्तु विषय रे अध्ययन करबा को mechanics कहा जाए, जे कि पिला माने गोटे physics रो branch। clear समझते? ताले it is divided into, कौन पिला माने? ना it is divided into two parts। तो दैट इज पिला माने कौन ना गोटे है कौन पिला माने काइनेमेटिक्स। सेकंड वन कौन पिला माने? सेकंड वन कौन ना डायनामिक्स। क्लियर? तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, व्हाट इज डायनामिक्स हमें जानना फर्स्ट, देन हमें काइनेमेटिक्स चैप्टर में जाना चाहिए। क्लियर? तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स, एटी पिला मारो एग्जांपल दो छी, एटी उडे बॉडी का मारो छी, बॉडी रेस्ट में थीला, बॉडी को मु फोर्स अप्लाई करली, बॉडी कोन कला पिला माने ना मोशन कन्वर्टला, कोन हला ना मोशन को कन्वर्टला। तो एटा के को जानले बॉडी रेस्ट थ्रू मोशन को काही कन्वर्टला, तार टाइम कौन कले को जानि गेलो ना काही ना फोर्स दबा द्वारा गोटे बॉडी कोन होची ना मोशन को कन्वर्ट होची। क्लियर समझते पिला? हम बुझी पालो हां कि नहीं? तो बॉडी काही के मोशन करची ना फोर्स दबा द्वारा बॉडी मोशन को कन्वर्ट होची। क्लियर समझते पिला माने? किंतु काइनेमेटिक्स हमें कौन पढ़ीबा ना इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गतिशील वस्तु विषय पढ़ा, बट कौन ना कंडीशन गोटे कौन रही ना विदाउट नोइंग द कॉज बॉडी कहीं की रेस्ट टू मोशन कन्वर्ट है, ता विषय में कौन सी हमें रीजन जानिबानी, कॉज जानिबानी, दैट इज कॉल्ड कौन पिला माने काइनेमेटिक्स। क्लियर समझते? तो डायनामिक्स का अर्थ कहिबा ना गोटे बॉडी रेस्ट टू मोशन कन्वर्ट होउची, काही की मोशन को कन्वर्ट होउची तार हमें कॉज जानिबा, तार हमें कोन पिला माने कॉज जानिबा, जो थ्री की पिला माने कोन ना विथ नोइंग द कॉज। क्लियर समझते पिला माने ना कौन गोटे बॉडी रेस्ट टू मोशन काही की कन्वर्ट होला, बॉडी गोटे काही की मोशन करुची, कॉज जानिबा को रीजन जानिबा को ताको कोन कोन आउची डायनामिक्स को आउची। बुझी पालो पिला माने? तो विदाउट नोइंग द कॉज, कॉज जानिबा नि, दैट इज कॉल्ड कोन पिला माने काइनेमेटिक्स। बॉडी काही की मोशन को ता विषय में कोन जानिबा नि, केवल मोशन कला परे जो सब टर्म आसीबो सेई सब टर्म पर हमें डिस्कस करला। कोन कोन टर्म आसीबो? रेस्ट आसीबो, मोशन आसीबो, डिस्टेंस आसीबो, डिस्प्लेसमेंट आसीबो,
वेलोसिटी आसीबो एक्सीलरेशन आसीबो एई सब टर्म ऊपर वर्तमान में डिस्कस करबे जोटा कि जो चैप्टर ना कोन पिला माने काइनेमेटिक्स ताले पिला माने तुम चैप्टर आज कोन पढिबो ता जो चैप्टर हम पढिबा आज कोन पिला माने काइनेमेटिक्स ताले हमे के फर्स्ट हेडलाइन लेखि दबा काइनेमेटिक्स का कुआ जाय आ डायनेमिक्स का कुआ जाय ताकु पिला माने फर्स्ट राइट डाउन देन हमे काइनेमेटिक्स चैप्टर में बिटु कमे छिबा ताले काइनेमेटिक्स का कुआ जाय काइनेमेटिक्स का कुआ जाय ना इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कौन पिला माने ऑब्जेक्ट और कौन पिला माने बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज विदाउट नोइंग द कॉज इस आर में पढ़ो क्लियर समझते पिला माने तो राइट डाउन नेक्स्ट पिला माने डायनामिक्स का आपको ऑलरेडी मैं कही दीची डायनामिक्स का आपको आउ छी ना से सेम पिला माने इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और कौन पिला माने बॉडी जोड़ा जमे कहते हैं पिला माने कौन थिला विदाउट नोइंग द कॉज एटि पिला माने कौन विथ नोइंग द कॉज क्लियर समझते रिजिन बॉडी काहे की मोशन कला तार कॉज जानिबानी दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स माने पिला माने कौन विथ नोइंग द कॉज गोटे बॉडी काहे की मोशन कला ता विषय कॉज जानिबाकू आमे कोन को आउची ए डायनामिक्स को आउची क्लियर समझते पिला माने बुझी पालो व्हाट इज काइनेमेटिक्स व्हाट इज डायनामिक्स राइट डाउन ठीक अछि पिला माने तो नेक्स्ट हम पिला माने बर्तमान हम चाहे कोन डिस्कस करबा सम टर्म इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स कोन पिला माने वर्तमान हम नेक्स्ट हम डिस्कस करिया कोन ना सम टर्म इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स जोटा कि हम फर्स्ट मु कहि छी रेस्ट मोशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो फर्स्ट पिला माने हम जानिबा कोन ना सम टर्म रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स तो फर्स्ट हला कोन पिला माने डिस्कस करबा रेस्ट आ कोन पिला माने मोशन रेस्ट आउ मोशन तो केते बेले गोटे बॉडी कमे रेस्ट पाइबो द बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट द बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट क्लियर समझते पिला माने जदी समय अनुसार टाइम अनुसार और रेफरेंस पॉइंट को नहीं कि जदी गोटे बॉडी रो पोजीशन चेंज न हो स्थान परिवर्तन न हो समय अनुसार और रेफरेंस पॉइंट को नहीं कि दैट इज कॉल्ड रेस्ट जदी चेंज हो जाए समय अनुसार गोटे बॉडी रो पोजीशन बा रेफरेंस पॉइंट को लेकर बॉडी रो पोजीशन चेंज हुए दैट इज कॉल्ड मोशन पोजीशन चेंज हो का को नहीं कि टाइम को नहीं कि और रेफरेंस पॉइंट को नहीं दैट इज कॉल्ड मोशन जदी चेंज हो नहीं दैट इज कॉल्ड कौन पिला माने रेस्ट क्लियर समझते एग्जांपल पर पिला को दउची देन हमें ता डेफिनेशन लिखला सपोज पिला माने इटा तुमरो इटा जो घर पिला माने होम तुम घर पाखरु
से डिस्टेंस से कौन अच्छी ना गोटे तुम बड़ गच्छ क्लियर समस्त पे गोटे गच अच्छी माने किसी डिस्टेंस था तुम घर पाक किसी डिस्टेंस से कौन अच्छी ना गोटे घर पाक किसी डिस्टेंस से गोटे गच अच्छी तो समय अनुसार मुझे पोजिशन पोजिशन मान कौन स्थान कहार गच्छर स्थान वर्तमान देख ली जो स्थान अच्छी ना गच्छ तुम घर सर पे तुम घर पाखु ये गच्छी जी डिस्टेंस अच्छी वर्तमान देख ली कहीं भी देखी से डिस्टेंस अच्छी स्थान कौन परिवर्तन घटे ना कि रेफरेंस पॉइंट कहे पे रेफरेंस पॉइंट कहे जार साज नब सपोज ये घर पाखु नई घर ना पे रेफरेंस पॉइंट डिस्टेंस अच्छी आज कल से डिस्टेंस अच्छी कौन स्थान पर घटी ना जाति कौन पे रेस्ट कर समय अनुसार गत पांच मिनट पर देखी जो स्थान था गसटा घंटे पर भी देखी चौबीस घंटा पर देखी पांच दिन पर देखी गोटे वर्ष पर भी देखी जदि बड़ी गच्छी स्थान पर घटी ना दैट इज कॉल्ड रेस्ट समय अनुसार रेफरेंस पॉइंट कौन जहां हेल्प नहीं घर पे कौन रेफरेंस रेफरेंस जी डिस्टेंस अच्छी कल भी देखी से डिस्टेंस थी स्थान जी पर घटा दैट इज कॉल्ड कौन पे रेस्ट जदि स्थान पोजिशन चेंज हो जाए जदि आज मुझे देखी बर्तन गच जो मो पांच मिनट पर देखी गचटा गोटे किलोमीटर दौड़ी पे पड़े थी स्थान पर घटे दैट इज कॉल्ड कौन पे जदि समय अनुसार गोटे बड़ी रण हम पोजिशन स्थान पर हम रेफरेंस पॉइंट स्थान पर हम दैट इज कॉल्ड कौन पे मोशन क्लियर समस्ते तो नेक्स्ट आइटम व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन द बॉडी इज सेड टू बी कौन पे मैंने द बॉडी इज सेड to be rest the body is said to be rest if it does not change its position with respect to time or रेफरेंस पॉइंट दैट इज कॉल्ड कौन रेस्ट राइट तो नेक्स्ट व्हाट इज मोशन द बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट जदि कौन हम चेंज हम पोजिशन स्थान पर घटव दैट इज कॉल्ड मोशन डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन स्थान पर घटव ना दैट इज कॉल्ड कौन पे रेस्ट क्लियर समस्त बुझी पाल तो नेक्स्ट पे डिस्कस करेक्स डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर डिस्टेंस माने दूरता डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन एई सब टॉपिक दिटा भितर को मु पिला माने जीवा पूर्व पिला माने तुमको दीटा वर्ड अच्छी मु कहू छी कोन स्कालर आ वेक्टर स्कालर आ कोन वेक्टर क्वांटिटी पिला मु कहू छी तापर पिला माने हमें डिस्टेंस आ डिस्प्लेसमेंट पढिबो क्लियर तो व्हाट इज स्कालर व्हाट इज वेक्टर जोबे की स्कालर माने अदिश राशि वेक्टर माने सदिश राशि
जहाँ जो क्वांटिटी रो के बड़ो मैग्नीट्यूड थिबो ताको हमें कौन कहबा जो क्वांटिटी रो जो फिजिकल क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड थिबो दैट इज कौन पिला माने स्केलर क्वांटिटी क्लियर जो क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड सहित मैग्नीट्यूड सहित कौन थिबो ना डायरेक्शन थिबो मैग्नीट्यूड भी थिबो डायरेक्शन भी थिबो ताको आमे कोन कहबा ना वेक्टर क्वांटिटी कहबा क्लियर समस्त बुझि पालो स्केलर कोन स्केलर क्वांटिटी का कहबा जो क्वांटिटी कोन थिबो मैग्नीट्यूड माने मूल्य जहां न्यूमेरिक वैल्यू थिबो दैट इज कॉल्ड कोन थिला माने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का कहबा जो क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड भी थिबो प्लस डायरेक्शन भी थिबो दिस क्वांटिटी को हम कोन कहबा ना वेक्टर क्वांटिटी कहबा क्लियर बुझि पाबो पिला माने आगो ओडा साइड साइड रे लिखि देबो कारण स्केलर वेक्टर माने से पडे पढा जाय परबो एथरे माने छि हम जो पढुचंती जो चैप्टर काइनेमेटिक्स माने कहा को केते बले स्केलर क्वांटिटी को आसे केते बले वेक्टर क्वांटिटी को आसे एको पिला माने एग्जांपल को कोइ छु क्लियर ठीक अछि तो वर्तमान पिला माने हम पढबा कोन नाउ व्हाट इज डिस्टेंस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कहउची द टोटल लेंथ कोन पिला माने टोटल लेंथ कवर बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड कोन पिला माने डिस्टेंस कोन ना द टोटल लेंथ पिला माने डेफिनेशन को देखो द टोटल लेंथ कवर बाय द बॉडी कवर by the total length covered by the body from initial position to final position dekho beta underline kali pila mane kono total length covered by the body from initial position to final position suppose सपोज पिला मन इटा तमर होम इटा पिला मन होम क्लियर समझते तो मैं एटु जीवा आरंभ करो एटु माने पिला मन छि कोन तलो एटु जीवा आरंभ करो ए बार जाई कि तमर कोन बोले ए पोजीशन रे आसी एटु पहुंच गेलो पिला क्लियर समझ बुझी पालो सपोज तमे इटा ला तमे आरंभ करो एटु तमे कोन करलो स्कूल रे पहुंच गेलो क्लियर तो मैं एक और आरंभ करो ए बी सी डी इनिशियल पॉइंट है इधर हमारे इनिशियल पोजीशन इधर पिला माने फाइनल पोजीशन डी टा फाइनल पोजीशन तब टोटल लेंथ का कूड़ा पिला माने टोटल लेंथ देखिए दो टोटल लेंथ इज इक्वल टू कहते OA प्लस AB प्लस BC प्लस कौन पिला माने BC प्लस CD कौन पर टोटल लेंथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन किए ना बॉडी जो टोटल लेंथ कवर कोच ता को हमें कोन कोचोती डिस्टेंस कोचोती बुझि पालो पिला माने क्लियर बा द एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस क्लियर समझते पिला माने कंप्लीट समझते द एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जोटा के हम शॉर्ट रे कला ना बॉडी जो टोटल लेंथ कवर करूची दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस क्लियर समझते जोटा के पिराम देखो मोर ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एटा हो पिराम टोटल लेंथ क्लियर समझते क्लियर कि नहीं पिराम मत को तो नेक्स्ट लेवल डिस्प्लेसमेंट का कोई ना डिस्प्लेसमेंट द मिनिमम लेंथ कौन द मिनिमम लेंथ
मिनिमम लेंथ कबर्ड, मिनिमम लेंथ कबर्ड बाय द बॉडी, मिनिमम लेंथ कवर बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। प्रिय समस्त कौन पिला मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ रखो रखते हैं हम लोग मो टोटल लेंथ रहा और आराम को ली ए ए देखी बी देखा सी पहुंची बी रू सी सी रू डी मिनिमम लेंथ रहा कूटा पिला मना को मिनिमम लेंथ का कूटा पिला मन ओरू डी पिला देखो इतना हमारा मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ कूटा पिला मन मिनिमम लेंथ का मिनिमम लेंथ कूटा मिनिमम लेंथ रहा पिला मन कौन होगा ओ डी जो ना कि हमें अदर लैंग्वेज में कौन कोई परिवार दा द शॉर्टेस्ट पाथ कौन पिला मने द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड कौन पिला मने डिस्प्लेसमेंट मिनिमम लेंथ जहां माने और पिला कौन लिख परिवार द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। क्लियर समझते पिला हां कि नहीं कंप्लीट देखो एथियला डिस्टेंस कहले टोटल लेंथ गोटे बॉडी जो टोटल लेंथ कवर करिवो ताको हम कोन कहबा डिस्टेंस कहबा एथि पिला माने मिनिमम लेंथ बा shortest length of path, shortest length of path between initial position to final position that is called the displacement। clear samasthe pila buji parlo ha ki nahi to next slide pila mane clear samasthe buji parlo pila mane to bartaman dekhiba buji gela samasthe pila mane ethi dekho final length हमारो ओ रू ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी क्लियर बुझी पालो तो डिस्प्लेसमेंट को मिनिमम लेंथ और शॉर्टेस्ट पाथ के साथ कोड पिया माने मोर इन टोटल लेंथ लिख रहे ओ डी, ओ डी वाला मोर पिया माने कोन शॉर्टेस्ट पाथ क्लियर ठीक अछि। तो नेक्स्ट हम पिया माने तार सो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस रो प्रॉपर्टीज डिस्कस करबा आ डिस्प्लेसमेंट रो प्रॉपर्टीज सब डिस्कस करबा क्लियर समझते। द सिंबल ऑफ द डिस्टेंस, द सिंबल ऑफ द डिस्टेंस कौन पिला माने एस, द सिंबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कौन पिला माने एस वेक्टर जोटा कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस क्लियर। इट इज डिस्प्लेसमेंट अकॉर्ड इट इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर क्लियर समझते। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस वेक्टर क्लियर समझते पिला माने। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द टोटल पाथ कौन पिला माने टोटल पाथ केवल मैग्नीट्यूड ऊपर डिपेंड करू छी सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी पियर समझते। ताले इट इज कौन पिला माने इट इज स्केलर क्वांटिटी पियर समझते पिला बुझी पालो। ताले व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ना इट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ताले पिला माने ताले मैग्नीट्यूड ऊपर भी डिपेंड करूची माने डायरेक्शन ऊपर मध्य कोण करूची ना डिपेंड करूची सो डिस्प्लेसमेंट इज अपॉन पिला माने वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी क्लियर। इट इज कौन पिला माने वेक्टर क्वांटिटी क्लियर समस्त बुझी पालो पिला माने हां कि नहीं। ताले पिला माने डिस्टेंस, ताले डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी कोण माने जीरो हो
नेगेटिव हम ना पॉजिटिव हम चले पिला मान तमे तम स्कूल जेते बळे कोन ना जते सब आज जते बन सब माने तमार अनल स्पोर्ट्स हे छि 0 मीटर रेस केबे हे छि की ना माइनस 100 मीटर रेस हे छि की ना कदा भी नथि ताले 100 मीटर रेस हे छि नै रे ताले एटा रे कंक्लूजन कोन नले ना डिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव कैन नेवर बी द जीरो और नेगेटिव क्लियर समत पिला माने ताले कंप्लीट समत पिला माने द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी द ताले राइट डाउन द डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ द बॉडी बॉडी कैन नेवर बी द कैन नेवर बी द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी कैन नेवर बी द जीरो और नेगेटिव बट इट ऑलवेज पॉजिटिव क्लियर समस्त हाँ कि नहीं बुझी पार बुझी पार पे तले नेक्स्ट भी हमारा सो तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जीरो हो कि जीरो हो कि पिला माने नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो कि डिस्टेंस ऑफ द बॉडी क्या नेवर बी द जीरो एंड नेगेटिव बट इट ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो हबो नेगेटिव भी हबो पॉजिटिव भी हबो क्लियर समस्त पिला बुझी पालो मो एग्जांपल देबी माने जीरो केमती होउची नेगेटिव केमती होउची पॉजिटिव केमती होउची पिला मन को न्यूमेरिकल करै दे त बुझिबो बतन मन रखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंप्लीट समझते हैं ताले की तरह आइडल क्या माने ताले डिस्टेंस ऑफ द बॉडी सॉरी द डिस्प्लेसमेंट सॉरी द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्लियर समझते हैं हाँ कि नहीं बुझी पाल तो नेक्स्ट पिला माने हमें वर्तमान कोण करबा जो छि हमर डिस्टेंस रो यूनिट ऊपर डिस्कस करबा आउ डिस्प्लेसमेंट रो यूनिट ऊपर डिस्कस करबा तमे यूनिट टाइम जानि न तो जेते चैप्टर का फर्स्ट आरंभ होई छि तो वर्तमान दिखे पिला माने तुमको यूनिट विषय कह देबी डायमेंशन विषय के कहबी तापर हम मैकेनिक्स रो आमे डिस्टेंस रो यूनिट लिखबा आउ डिस्प्लेसमेंट रो माने यूनिट लिखबा आउ डायमेंशन फार्मूला लिखबा क्लियर तो राइट हैंड पिला ठीक अछि तो जते बळे हम मेकॅनिक्स जो पढ़ुछंती मेकॅनिक्स रे जते बळे हम यूनिट लिखुछंती हम पिला मन यूनिट सब अछि यूनिट हमें एफपीएस लिख पारिबा सीजीएस लिख पर डिफेंस ओवर सिस्टम सीजीएस लिख पारिबा एमकेएस लिख पारिबा एसआई मध्य लिख पारिबा मेकॅनिक्स रे एमकेएस और एसआई सिस्टम रे ऑलमोस्ट समान किला तो हमें ए दुटा पर बेसी यूज करबा क्लियर तो यूनिट जो हमें लिखु चंती त लेंथ पर कोन लिखबा देखियो लेंथ पर कोन लिखबा मास पर कोन लिखबा टाइम पर कोन लिखबा तो फर्स्ट पिला मानु सीजीएस रखु छी सीजीएस रे कोन लिखा सी जी एस एतरे पिला माने कोन हबो सेंटीमीटर एतरे कोन हबो ग्राम देखो पिला माने सीजीएस सिस्टम रे लेंथ पई सेंटीमीटर मास पई ग्राम टाइम पई कोन पिला माने सेकंड लिखिबा कोथे कोथे ए तो हमें यूनिट लिखिबा ठीक अछि पिला माने तो जते बड़े पिला माने हमें ऐसे बड़ा एमकेएस यूनिट लिखवा कौन पिला माने एम के एस एमकेएस यूनिट लिखवा तो एटी पिला माने कौन लिखवा मीटर एटी कौन लिखिया पिला माने केजी एटी कौन लिखिया पिला माने सेकंड तो देखो पिला माने तो जते बड़े लेंथ पई एमके सिस्टम में कौन लिखिबा मीटर मास पई कौन लिखिबा किलोग्राम टाइम पई कौन लिखिबा एमके सिस्टम में सेकंड
क्लियर समस्त पिला मन बुझी पालो राइट हैंड आपन के साइड रे ओटे लिखि के रखतो पिला माने आउतर कोसी सीजीएस सिस्टम रे लेंथ पाई सेंटीमीटर मास पाई ग्राम टाइम पाई सेकंड एनके सिस्टम रे मास लेंथ पाई मीटर मास पाई किलोग्राम टाइम पाई सेकंड क्लियर समस्त तो राइट हैंड पिला माने बुझियाला तो नेक्स्ट पिला माने कोन करबा ना तार डायमेंशन फार्मूला लिखबा लेखि लो बुझी पालो पिला माने तो डायमेंशन फार्मूला तो लिखबा हमें देखो पिला माने मैकेनिक्स कथा हम कहूची मैकेनिक्स रे तो डायमेंशन हमें लिखबा मास पाई को लिखबा मास पाई कैपिटल एफ लेंथ पाई तो लिखबा कोन लिखबा ना कैपिटल एल लिखबा टाइम पाई तो लिखबा कोन पिला माने लिखबा ना कैपिटल डी लिखबा विथ कोन करबा तो लिखबा क्लोज ब्रैकेट सहित एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी ए फॉर्मेट रे हमें डायमेंशन फार्मूला को आगे लिख लिया पिया क्लियर समझते मास पाई कैपिटल एम लेंथ पाई कैपिटल एम कैपिटल एल टाइम पाई टी तले हमें को फॉर्मूला लिखिबा एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी ए फॉर्मेट रे हमें लिखिबा त देखियो पिया कोन होछ लिखिबा केमथि ठीक अछि राइट हैंड पिया लिखियो तो नेक्स्ट पिला आसो डिस्टेंस डिस्टेंस रो यूनिट को था पिला डिस्टेंस रो यूनिट ऊपर हम डिस्कस करथले एपटे अथियो डिस्प्लेसमेंट पर हम यूनिट लिखबा तो सीजीएस सिस्टम रे डिस्टेंस रो यूनिट कोन हबो तले डिस्टेंस रो कोन लेंथ केन पर कोन पिला माने सेंटीमीटर तो एम केस रे पिला माने कोन हबो एमकेएस रे कोन हबो मीटर एथि एसआई जहा एमकेएस या इन मैकेनिक्स रे हमर डिस्टेंस पाई एसआई जहा एमकेएस या क्लियर समस्त पिला मन बुझी पालो मीटर तो सेम रे पिला माने डिस्प्लेसमेंट एटा अलग टोटल लेंथ एटा मिनिमम लेंथ डिस्प्लेसमेंट अवश्य कोन लेंथ तले सीजीएस सिस्टम रे कोन हबो सीजीएस सिस्टम रे सेंटीमीटर एमकेएस सिस्टम रे कोन हबो मीटर एथि मध्ये एसआई रे सही समान पिला माने क्लियर बुझेगा तो नेक्स्ट पे लिखा तार डायमेंशन फॉर्मूला लिखा कौन लिखा ना डायमेंशन फॉर्मूला कह डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन समझते तो डायमेंशन को फॉर्मूला हमें लिखु चंती तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें लिखु चंती पिया माने तो केमती लिखु तले ना m टू द पावर m l टू द पावर b t टू द पावर c तो हमें तरे हमें एटा पे देखा s रो क्लोज ब्रैकेट मास से तो कोनो संपर्क नाही त गुरु m टू द पावर 0 डिस्टेंस पाई l अछि त l1 t टाइम से कोनो संपर्क नाही त गुरु t टू द पावर 0 बुझियाला क्लियर समझते तो एयर डायमेंशन फार्मूला कोन पिला मन डिस्प्लेसमेंट रो डायमेंशन फार्मूला कोन हो तो जे तमे सिंबल लिखि एस वेक्टर नंबर एस वेक्टर लिखु तन पर कते जो पिला माने m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 जेहेतु डिस्प्लेसमेंट आल्सो कोन वन टाइप ऑफ लेंथ डिस्टेंस मध्ये लेंथ क्लियर तले कते गला m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 एटा ला डिस्टेंस रो डायमेंशन फार्मूला तो डिस्प्लेसमेंट रो डायमेंशन फार्मूला कोन ना m टू द पावर 0 काईन मास तो कोनो संपर्क नाय लेंथ कत अछि लेंथ अछि ना l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 काई केला ना t से तो कोनोसी माने लेंथ रो माने रिलेशन नाय ठीक अछि पिला माने तो राइट अप ठीक अछि पिला माने थैंक यू